हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर फ्रेंड मैनाज फ्रॉम सिविल सेंटर एंड वेलकम ऑल बैक टू आवर चैनल। और सिविल साइड ज्ञान के फ्रेश एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग जो पहला वीडियो था उसमें आपको दिखाए थे साइट। तो यहाँ पे अभी सर्वे हो रहा है, दैट इज़ लेआउट सर्वे हो रहा है। तो हम लोग थोड़ा इधर आएंगे यहाँ पे भी हम लोग पार्किंग। तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक फुटिंग, ये एक बेसमेंट है, बेसमेंट के लिए जो फुटिंग है, फुटिंग के लिए एक्सकवेशन हुआ है। तो एक्सकवेशन होने के बाद यहाँ पे आपका सैंड फिलिंग हुआ है, देन आपका पीसीसी हुआ है। जो पीसीसी का लेयर देख रहे हैं उसके ऊपर आपका मार्किंग हुआ है कॉलम का यूजिंग टोटल स्टेशन इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आपका टोटल स्टेशन से जो कॉलम के जो चार कॉर्नर से वो उसका मार्किंग हुआ है। उसके बाद कॉलम के जो रीइंफोर्समेंट केज है उसको यहाँ पे डाला जाएगा और उसके बाद फुटिंग का रीइंफोर्समेंट केज भी उसमें डाला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल स्टेशन से यहाँ पे मार्किंग हो रहा है, मार्किंग चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग टोटल स्टेशन मार्किंग से पहले हम लोग बात करेंगे हम लोग पीसीसी का। तो यहाँ पे मेनली पीसीसी क्यों दिया जाता है, व्हाई पीसीसी इज गिवन। तो पीसीसी इसलिए दिया जाता है कि आपका जो यहाँ पे हम लोग का फुटिंग है, या तो फुटिंग में जो रीइंफोर्समेंट है वो रीइंफोर्समेंट सॉइल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए। अभी सैंड का एक लेयर देते हैं 100 mm का, उस सैंड के लेयर के कॉन्टैक्ट में जो रीइंफोर्समेंट है या जो कंक्रीट का सरफेस है वो ना आए, इसीलिए आपका पीसीसी देने का एक रीज़न ये है। और एक दूसरा रीज़न ये है कि एक स्टेबल सरफेस मिले। जैसे हम लोग मार्किंग कर रहे हैं यहाँ पे, अगर सैंड में करते तो ये नहीं कर पाते, एंड फुटिंग को एक लेवल सरफेस नहीं मिलता ताकि लोड ट्रांसफ़र हो पाए यूनिफॉर्मली, तो उसके लिए भी हम लोग पीसीसी करते हैं। तो ये दो रीज़न हो गया पीसीसी का। और कोई रीज़न अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। और हम अभी हम लोग डिस्कस करेंगे टोटल स्टेशन इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो दोस्तों, जैसे हम लोग कोई भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग देते हैं, जैसे अभी आप पहले पिछले वीडियो में भी दिखाया था स्ट्रक्चरल ड्राइंग, कोई भी स्ट्रक्चरल ड्राइंग देते हैं उसमें आपके कॉलम के पोजीशंस रहते हैं, फुटिंग के पोजीशंस रहते हैं, तो उस पोजीशन में एक्यूरेटली आपका जो काम है आप यहाँ पे देख सकते हो। एक हम लोग का लेआउट, तो मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ हमारा ड्राइंग खोल के। तो ये आपका लेआउट है, जैसे कि आप देख सकते हो, इसको फोल्ड करके मैं आपको दिखा देता हूँ लेआउट। तो ये आपका लेआउट है, तो इसमें देख सकते हो आपके अलग अलग साइजेस के कॉलम्स हैं, अलग अलग साइज़ के फुटिंग्स हैं। तो ये हम लोग का साइट का बाउंड्री है, तो इस बाउंड्री के अंदर ये एक्यूरेटली अगर ना आए तो प्लान आपका डिस्टर्ब हो सकता है। आपका कोई रूम का साइज़ कम हो जाएगा, कोई स्टेयर का साइज़ कम हो जाएगा, कहीं पे जो यहाँ पे जैसे आपका लिफ्ट है, लिफ्ट का साइज़ कम हो सकता है। तो इफ़ वी गो बाई टोटल स्टेशन सर्वे, पहले तो आपको टोपोग्राफिकल सर्वे करके जो प्लॉट है, इस प्लॉट का आपको एरिया यहाँ पे लैपटॉप में या सिस्टम में इसको हम लोग कैड फॉर्मेट में हम लोग जो पॉइंट से उसको इंसर्ट कर पाएंगे। उसके बाद उस पर्टिकुलर बाउंड्री के अंदर हम लोग ये जो सारे पॉइंट्स हैं फुटिंग के, कॉलम्स के, उसको हम लोग डाल पाएंगे। तो डालने के बाद अभी होगा आपका लेआउट। तो लेआउट में क्या होगा, आपका जो चाहे ये फुटिंग के कॉर्नर्स हो एंड उसके बाद आपके कॉलम के पॉइंट्स हो, वो हम लोग दे पाएंगे। तो पहले फुटिंग के ऑलरेडी हम लोग एक बार हो चुका था लेआउट सर्वे, अभी जो है कॉलम के मार्किंग के लिए लेआउट सर्वे हो रहा है। तो ये देखिए कॉलम के चारों कॉर्नर्स के जो पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, उसके थ्रू यहाँ पर एक्यूरेटली मार्किंग हुआ है। तो यहाँ पर आपका एरर का चांस बहुत कम है, जो कि मैनुअली में यहाँ पे अगर करते तो बहुत मतलब डिफ़िकल्टी भी होती एंड एरर का चांस भी रहता। तो इसलिए वी शुड गो फॉर द टोटल स्टेशन सर्वे। अगर आप कोई मतलब इनसाइट इंजीनियर है तो यू शुड डेफिनेटली रिकमेंड योर क्लाइंट फॉर द टोटल स्टेशन सर्वे। तो फ्रेंड, ये था हम लोग का टोटल स्टेशन सर्वे का प्रोसीजर। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हो ये टोटल स्टेशन इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें जो कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे एंटर किए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक प्रिज्म मैन आपका यहाँ पे जहाँ पे आपका मार्क करना होता है वहाँ पे वो प्रिज्म लेके खड़ा रहता है एंड वो पॉइंट्स मार्क कर देता है। और उस मार्क करने के प्रोसीजर में आगे पीछे लेफ्ट राइट उसको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि लेफ्ट 5 mm जाओ, राइट 5 mm जाओ, ऐसे करके इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। तो ये जो आपका जो टेलीस्कोप है उससे यहाँ पे एक लेज़र निकलता है, वो लेज़र एक्यूरेटली यहाँ पे पॉइंट करता है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आपको, आप ज़रूर बताइए हमको कमेंट सेक्शन में। और ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और क्या क्या चीज़ आप जानना चाहते हैं हमको ज़रूर बताइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैप्पी मकर संक्रांति, बाय बाय।